मकसद के अवैध निर्माण के मामले में जिला अदालत में सुनवाई हुई है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इस मस्जिद को गिराने के नगर निगम आयुक्त के फैसले पर स्टे की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त से कुछ रिकॉर्ड पेश करने को कहा और अगली सुनवाई 11 नवम्बर को निर्धारित की है। बता दें, ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने एमसी आयुक्त के 5 अक्टूबर के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मस्जिद कमेटी द्वारा नगर निगम को दिए गए हलफनामे के आधार पर यह निर्णय लिया गया था। और वो हमने पहले की थी, आज दूसरी डेट लगी है और अब 11-11 को रखी मान्य हुई है। और 11-11 को मेंटेनेबिलिटी और इश्यूज जो हैं उनको लेकर और जो पार्टियां एरे होना चाहती हैं, इसमें बनना चाहती हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टियां बोल रही हैं अपने, वो उनको सुना जाएगा और उस दिन फिर उनका लोकस भी के ऊपर भी डिसीजन होगा। जो आपकी तरफ से एप्लीकेशन जो जिस पे आज बहस हुई है, वो कौन लोग हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने की, और व्हाट इज़ योर प्ली? माय प्ली इन द कोर्ट इज दिस, दैट आई एम अ डोनेटर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आई हैव डोनेटेड एंड अंडर वक्फ एक्ट आई एम एन एग्रीव्ड पर्सन, एंड बीइंग एन एग्रीव्ड पर्सन आई एम सेइंग एंड आई एम चैलेंजिंग दैट ऑन व्हाट बिहाफ मिस्टर लतीफ और सलीम वॉज अपियरिंग बिफोर दी Commissioner's Court, and on what behalf they have been, on whose behalf they have been authorized to say that we are ready to demolish the mosque, because they are not the president or they are not the any post holder of the masjid, an authorized person in the masjid committee. And second is this, that the MC Act says that if there is no any objection upon the map submitted in the commission, in the commissioner's office, and if it is not dealt up to 60 days, then it is to be considered as a deemed sanction of the map. This was jo aap hain, is it an individual or koi organization? It is an organization and they are running an educational institution at Nahal. So we are appearing on behalf of स्टे पे कोई निर्णय हो पाया तब? स्टे पे कोई निर्णय नहीं हुआ, कोर्ट ने कहा कि हम रिकॉर्ड मंगा लेते हैं कमिश्नर से।